इसलिए हमारी मांग है कि उन मशीनों की जगह नई मशीनें लगाई जाएं। आपको क्या चाहिए, भूख या पैसा, हड़ताल या बोनस? अब्दुल चाचा, एक किलो दूध के लिए मुन्नी की आंख से जो आंसू गिरे वो नासमों का बोझ इस बोझ से कहीं ज्यादा था। हाँ तो बच्चों, मुख्तार सिंह का नाम सुना है तुमने? नहीं सुना। अरे तो फिर क्या सुना है तुमने दुनिया में? मुख्तार सिंह वो आदमी है जिसके नाम से शहर की पुलिस भी कांपती है और पब्लिक भी। बाजार से निकल जाए तो ऐसा लगता है कि शहर में कर्फ्यू लग गया, बाजार खाली हो जाते हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं। फिर? अरे फिर क्या, आज उसकी मौत आई थी जो हमसे उलझ गया। वो कैसे? वो ऐसे कि सरकार की तरह वो सारी दुनिया से टैक्स लेता फिरता है, दुकानदारों से टैक्स, ठेले वालों से टैक्स, पाटली वालों से टैक्स, आज हमसे टैक्स मांगने चला है। पूछो किस बात का? किस बात का? सड़क पे चलने का टैक्स। अच्छा? अरे हमने कहा भैया और लोग भी तो सड़क पे चलते हैं, उनसे क्यों नहीं टैक्स लेते, हम ही से क्यों ले रहे हो? कहने लगा तुम्हारी टांगे ज्यादा लंबी है, सड़क ज्यादा घिसती, इसलिए टैक्स देना पड़ेगा। बस इसी बात पे हो गया मामला शुरू। छूटते उसने हमारी गर्दन पकड़ ली। फिर क्या, जो हमने टंगड़ी लगाकर कैंची मारी और घुमा के जो हाथ दिया तो चारों खाने चित, आंखें फिर गईं, मोशा झाग निकलने लग गया। फिर क्या हुआ कल्लू? इतने में क्या देखता हूं कि उसका कुत्ता वहां चला है, और कुत्ता भी कौन सा कुत्ता? कौन सा? अलसेसन कुत्ता। अच्छा? हाँ, ये बड़ा साइज उसका, बब्बर शेर से भी बड़ा। वो मुझे देख के गुर्राया, मैं उसको देख के गुर्राया। फिर वो भी अपने मालिक की तरह मेरी गर्दन की तरफ लपका, लेकिन इससे पहले कि वो अपने नाखून मेरी गर्दन में डाल सके, मैंने अपना हाथ उसके मुंह के अंदर डाल के जो खींचा है तो शरीर के दो टुकड़े हो गए। फिर भाग कर, अरे भागे, अरे भागे, अरे भागे, अरे 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 अरे। अरे 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 मालूम है आज बाजार में क्या हुआ? क्या हुआ? मुख्तार सिंह का नाम सुना है तुमने? नहीं सुना। अरे फिर क्या सुना है तुमने? मुख्तार सिंह वो आदमी है जिसके नाम से पुलिस भी डरती है और पब्लिक भी। बाजार से एक बार गुजर जाए तो ऐसा लगता है कि शहर में कर्फ्यू लग गया है, बाजार खाली हो जाता है, दुकानें बंद हो जाती हैं। फिर क्या, उसकी मौत आई थी जो हमसे उड़ा। अरे अरे आ गया सर, आ गया सर। ए! फिर क्या हुआ कल्लू? भाभी भाभी वो ए! ए! चाचू तुम्हारा दोस्त चला गया, अब बाहर आ जाओ। चला नहीं गया, भाग गया है सर, डरता है हमसे। तुमसे तो सारी दुनिया डरती है, पर तुम आलू लेने गए थे। हाँ वो तो मैं भूल गया भाभी, बस यूं समझो, यूं गया और यूं आया। मुन्नी कैसी है? क्या अरे चाची क्या बात है, यहाँ तो मेला लगा हुआ है। अरे तुम्हें नहीं मालूम, रामदीन के घर बच्चा होने वाला है। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम कहाँ जा रहे हो? अंदर जा रहे हैं, शायद हमारी जरूरत पड़ जाए। तुम्हारी जरूरत अंदर नहीं बाहर है, हो सके तो रामदीन की मदद करो। ये रामदीन
क्या बात, अरे घबराने की कोई बात नहीं, तुम्हारा तो ये पहला बच्चा है ना, यहाँ देखो 10 बच्चे पैदा कर चुके हैं। 10 बच्चे तुमने? हाँ और क्या, अरे दूल्हा नहीं बने तो क्या हुआ, दूल्हों का हाथ पकड़ के ऐसे मौकों पर हम ही तो बैठे हैं। ए घबराने की कोई बात नहीं, बेटा होगा बेटा। हाँ सुनो, मुख्तार सिंह का नाम सुने हो? नहीं। लो फिर क्या सुने हो दुनिया में? अरे मुख्तार सिंह वो आदमी है जिसके नाम से शहर की पुलिस तो क्या पब्लिक भी कांपती है, शहर से निकल जाए तो ऐसा लगता है कि शहर में बाप के यहाँ बैठा हुआ है क्या? नहीं नहीं, मेरे बाप के घर, वो बाप के घर में नहीं हुआ, रामदीन है ना, रामदीन के घर में बैठा हुआ है। साले चला जा यहाँ से, नहीं तो टुकड़े करके फेंक दूंगा। यार कल्लू ले आए आलू? कहाँ भाभी, गए थे आलू लेने, नारायण ने कचालू बनाकर भेज दिए। ये देखो। हाय भगवान, नारायण ने तुझे मारा? क्यों मारा ये भी तो सुनो, रामदीन के घर बेटा हुआ, उसकी खुशखबरी सुनाने लगा तो उसने लेकर के रापट मार दिया, बताओ ये भी कोई बात है? तू फिक्र मत कर, तेरे बड़े भैया आएंगे तो मैं उनसे नारायण की बात करूंगी। मैं नारायण की सारी बातें सुन चुका हूँ, सारा कसूर इसी का है, सर छत को छूने लगा, रकल घुटनों के ऊपर नहीं गई। मैं पूछता हूँ क्या जरूरत थी तुम्हें वहां जाने की, क्या जरूरत थी मोहल्ले का अखबार बनने की? अरे नारायण ने तो एक थप्पड़ मारा, मैं तुम्हारा मुंह इधर उधर कर देता, बदतमीज। तुम भी इसी को डांट रहे हो? डांटू नहीं तो और क्या करूं, इसने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। काम धाम कुछ करते नहीं हजरत, बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ गोलियां खेलते हैं, पतंग उड़ाते हैं, और जब कुछ वक्त बच जाता है तो नमक के ढेले उठा लाते हैं लोगों के जख्मों पर रगड़ने के लिए। नारायण बेचारे के घर 15 साल से कोई बच्चा नहीं हुआ है और यह वहां पहुंच गया ढोल बजाने के लिए। कल्लू आज तो मैंने शिकायत सुन ली है लेकिन दोबारा नहीं सुनूंगा, क्या कह रहा हूं मैं? चाचू तुमने वही किया ना जो दूसरे करते हैं, गुस्सा तुम्हें है अपने मालिकों पे, निकाला है अपने भाई पे, तुम्हारी फैक्ट्री में स्ट्राइक है वो भी इसी का कसूर है, घर में महीने भर के बजाय हफ्ते का भी राशन नहीं आया वो भी इसी का कसूर है, तुम्हारे गुस्से और अपने दुख में वो कहीं चला गया तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। अरे कहीं नहीं जाएगा वो अपने भाई को छोड़ के जा सकता है मगर अपनी भाभी को छोड़ के नहीं जा सकता। आ जाएगा। मिल मजदूर, बोनस खैरात नहीं मजदूर का हक है। मैं खुद भी यही मानता हूं, मैं इस मिल का नया मालिक हूं और तुम्हारे सब हक मानने को तैयार हूं। तुम लोगों का लीडर कौन है जिससे मैं बात कर सकता हूं? शामू बढ़ो। आप लोग 1 महीने का बोनस मांग रहे हैं, मैं 2 महीने का देने के लिए तैयार हूं। शर्त सिर्फ इतनी है कि काम इसी वक्त शुरू होना चाहिए। लेकिन हमारी एक मांग ऐसी है जो शायद आपने नहीं पढ़ी। कौन सी मांग?
आपने जो कारखाना खरीदा है उसकी तमाम मशीनें या तो पुरानी हो चुकी हैं या उनमें जंग लग चुका है। किसी वक्त भी कोई हादसा हो सकता है, किसी मजदूर की जान जा सकती है। इसलिए हमारी मांग है कि उन मशीनों की जगह नई मशीनें लगाई जाएं। नई मशीनें लगाने के लिए वक्त चाहिए और वक्त है नहीं मेरे पास। अगर अमीर के वक्त की कीमत होती है तो मजदूर की भी जान की कीमत होती है साहब। जब तक आपकी फैक्ट्री में नई मशीनें नहीं लगेंगी आपकी फैक्ट्री में काम नहीं शुरू होगा। ठीक है, मैं मजदूरों से पूछता हूं आप लोगों को क्या चाहिए। आपके लीडर को हड़ताल चाहिए, मैं मिल का मालिक हूं, मुझे काम चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूं आपको क्या चाहिए, भूख या पैसा, हड़ताल या बोनस? तो फैसला हो गया, जिन लोगों को बोनस चाहिए वो अंदर जाए और जिन लोगों को हड़ताल चाहिए वो बाहर रुके। अब्दुल चाचा, ये मशीनें बदलने की मांग तो आपने की थी और आप ही। मैं भूला कुछ नहीं, सिर्फ अपने बच्चे याद आ गए। मैं अपनी जान पे खतरा लेना तो मंजूर कर सकता हूं लेकिन बच्चों की भूख नहीं, बच्चों की भूख नहीं। जमाना सचमुच बदल गया। पहले नेता आगे चलता था और जनता पीछे, और अब जनता आगे चलती है, नेता पीछे। रेस के पुराने खिलाड़ी हैं आप, मगर आज चूक हो गई शानी सेठ। मैं अभी अभी मिल देख के आ रहा हूं। पूरे 15 लाख एक लंगड़े घोड़े पे लगा दिए हैं आपने। रावत, हमारी जिंदगी गुजर गई है रेस के मैदान में और तुम नए रंग रूट हो, इसलिए जानते नहीं जो लंगड़े घोड़ों पे जीतते हैं ना वो बहुत जीतते हैं। और तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम कि हम खेल कौन सा खेल रहे हैं। रावत, मैंने ये मिल सिर्फ कपड़ा बनाने के लिए नहीं खरीदी, इन लॉरियों में वो सोना लदा है जो हमारे डोंगरी के गोदामों में बंद था और किसी वक्त भी पुलिस के हाथ लग सकता था। अब वही सोना इस मिल में तैयार किए हुए कपड़ों की कोख में छुपाकर मुल्क के कोने कोने में पहुंचा दिया जाएगा। Oh, my God.
श्याम बाबू धीरे चलिए, धीरे से काम लीजिए, हौसला बुलंद रखिए। मेरे हाथ कट गए डॉक्टर। भैया लेट जाओ, करो लेट जाओ। ये क्या कर रहे हो तू चाचा? अपने दिल के अंधेरों में अपने खुदा को ढूंढ रहा हूं और उससे पूछना चाहता हूं कि या अल्लाह, तेरे कर्म की बारिश होती है तो मुझ जैसे गुनाहगारों पर क्यों होती है, और तेरे कहर की बिजली टूटती है तो ऐसे फरिश्तों पर क्यों टूटती है? तुझे हाथ काटने ही थे तो मेरे हाथ काट डाले होते, उन हाथों को क्यों काट डाला जो उठते हैं तो तेरी बारगाह में दुआओं के लिए उठते हैं या दूसरों की जान बचाने के लिए उठते हैं? अरे मुन्नी बिटिया, दूध ले जाओ, दूध ले जाओ आके। लो भैया जी। नहीं भैया, अब हमें दूध नहीं चाहिए। अरे काहे नहीं चाहिए माँ जी? घर में जितने पैसे थे सब इनके इलाज में चले गए। अरे उधार ले लो माँ जी, अगले महीना दे देना तनख्वाह। माँ तनख्वाह कहाँ से आएगी? नहीं भैया नहीं, अब हमें दूध नहीं चाहिए। नहीं माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। नहीं चुप हो जा मुन्नी, मुझे बहुत भूख लग रही है। दूध नहीं है ना? नहीं दूध नहीं है। चाहिए? नहीं ना, मुझे दूध चाहिए। चांदी कौन सा? ये वाली। चल हट जा हट जा हट। लगा 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 लगा, चल निकाल ले, निकाल ले, निकाल तू भी निकाल ले। भैया भैया भैया, ये क्या भैया? आपको तो डॉक्टर ने उठने से मना किया था, ये इतना बड़ा बोझ आपने कंधे पर उठा लिया। एक चिल्लू दूध के लिए मुन्नी की आंख से जो आंसू गिरे, उन आंसुओं का बोझ इस बोझ से कहीं ज्यादा था। आप घर जाइए भैया, चलिए घर जाइए, ये बोझ मैं उठाऊंगा। आज के बाद मुन्नी को चिल्लू पर दूध क्या, जिंदगी में किसी चीज के लिए नहीं रोना पड़ेगा। ले मुन्नी दूध, जितना पीना है पी ले। डॉक्टर अंदर है। आपने ऐसी हालत में बोझ उठाकर अच्छा नहीं किया, आपके जख्मों के टांके उखड़ गए हैं। मेरी राय में अब दोबारा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, और वो भी किसी बड़े डॉक्टर से। ये ऑपरेशन के लिए कितने पैसे लगेंगे डॉक्टर साहब? कम से कम 500 रुपए। ये 500 रुपए हम कहां से लाएंगे? पैसे मैं लूंगा भाभी, पैसे मैं लूंगा।